तभी तो लोग मेहनत करना नहीं चाहते फिर कहीं। तो मम्मी और मैं सोच पे पड़ गए, सब अब तार बांधने लग गए अपने यहाँ से वहां तक। गाभी की सब्जी बनने वाली आज। बैक अनदर डे, और दूसरे दिन बारिश रुक चुकी है फाइनली, और जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है कितना अच्छा लग रहा है, ठंडा हो रहा है सच में। स्वेटर वेटर पहन के बैठे थे अभी तक, और आंखें भी नहीं खुल रही है सुबह सुबह, देख सकते हो। वाओ, बारिश के बाद जो मौसम होता है ना, वो उसकी तो बात ही कुछ और होती है सच में। कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम। सो बैक कैमरे से दिखाऊं, यू कैन सी गाइस, बादल देखो, आहा क्या बादल हो रखे हैं, क्या मौसम हो रखा है। हल्की हल्की किरणें आ रही है, हल्की हल्की धूप अभी जगह ढूंढ रही है निकलने के लिए, और फूलों में थोड़ी सी जान आ चुकी है। जान तो नहीं आई, वैसे पूरा गीला ही हो गया, आप लोग देख सकते हो खेत भी पूरा गीला हो गया है, वहाँ पे इतना पानी रह गया है। पहाड़ों में ये चीज़ अच्छी होती है कि पानी जो होता है वो नीचे को चले जाता है, तो रुकता नहीं है, वो सही है। तो नीचे वाले खेतों में तो बहुत ही कीचड़ कीचड़ हो रहा है, दिखा रही हूँ, देखो देखो अगर आप लोग को दिख रहा है तो कीचड़ ही कीचड़, उसके नीचे के इतने भी कीचड़ ही कीचड़, पूरा पानी भर रखा है, पानी भी दिख रहा है यहाँ तक कि। और देखो इधर हमारे नीचे वाले तो पूरा खेत ही पानी वानी हो रखा है। हमारी तुलसी माँ, इनको भी दो दिन हमने पानी नहीं चढ़ाया क्योंकि ऑलरेडी बहुत पानी हो रहा था, आज भी ज़रूरत तो है नहीं पानी चढ़ाने की। सो यार अभी तो मैं वैसे पोछा लगा रही थी, तो मैंने कहा एक बार आपको व्यू दिखा देती हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको व्यू भी दिखाई दिया। टैलेंटेड बन रहा है। अपने रूम में लगा रही थी पोछा, इस पोछे से, एंड हियर आई एम। सो गाइस अभी आफ्टरनून होने ही वाली है जस्ट, और मम्मी कुछ दिखा रही है तो मैं वहाँ जा रही हूँ थोड़ा सा। भाई फ्लावर देखो तो ऐसे जाते हैं ना, इस सड़के एकदम से सड़े सड़े जैसे। सो मम्मी आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रही है, तो यहाँ मम्मी झाड़ू लगा रही थी। ओ भाई झाड़ी झाड़ू रखी कहाँ, बापरे कैसा बंद हो रहा है रास्ता, देखो मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ, भयंकर ही हो रहा है। हाँ बाढ़ बन रखा है यहाँ तो, रात में पूरा पूरे रास्ते में आ रखे हैं। वैसे भी अभी कटने वाले हैं, इतना घास हो रखा है, देखो ये कैसे होंगे यार, खेत वाले भी काटते नहीं है टाइम से। वो तो वहां तक ढल रखी है पूरी। देखो ये किसका है मम्मी, ये है क्या, बाजरा, बाजरा ये भी बाजरा है, अच्छा ये बाजरा है गाइस, देखो ऐसे होते हैं बाजरे। इसको फिर निकालेंगे, दाने हैं, दानों को निकालेंगे। सांपों का भी डर रहता है बारिश की वजह से, सांप भी ऊपर को आते हैं, अंदर पानी घुस जाता है ना उनके बिलों में। पूरा रास्ते ही साफ कर दूंगी आज। ये मड़वा है ना, ये मड़वा की बाली, मड़वा मतलब कोदू, देखो ये अलग सा होता है, वो अलग सा था, ये अलग सा होता है, ये पहाड़ी कोदू, पहाड़ी कोदू ये अलग टाइप का। ये भट्टे हैं देखो, भट्टे हमारे उत्तराखंड का फल होता है, सोयाबीन काले वाले ना, सफेद वाले, काले वाले, सफेद वाले हैं शायद, सोयाबीन, सोयाबीन, सोयाबीन भट्टे, ये हैं भट्टे के पौधे। पूरा काई काई हो रखी है देखो, फिसलने के लिए भी। ये क्या हमारे अरबी, अरबी, अच्छा हाँ इसका, मम्मी इनके कुछ वो बनते हैं ना, पहाड़ी के बनते हैं कुछ, बनते हैं गढ़वाल साइड, गाबी का सब्जी बनाते हैं, गाबा ये होता है, गाबा, गाबा व्हाट इज गाबा, इसी अंदर की जो इसको बोलते हैं गाबा, अच्छा ये गाबा है, अच्छा इसके नरम नरम पत्तियां होती है ना जो घूमे रहते हैं ऐसे गोल, ये इसको क्यों नहीं तोड़े बड़े को, बड़ा वाला अच्छा मिलता है, अच्छा ये छोटे खाते बड़े वाले, लोग गाभी गाय खाते, अच्छा छोटे छोटे से आलू, आलू मूली तो तुम खाओगे नहीं, मूली खाते हैं आलू, दाल बनाने वाले हो इसके आज,
सो गाइस आज हमारे घर में दिन में गावे की दाल बनने वाली है, पहाड़ी सब्जी बनने वाली है। सच में ऐसी चीजें ना बिल्कुल पसंद है, मुझे तो सिर्फ दाल ही पसंद है, दाल ही खिला दो मेरे को तो है। वो दाल दाल देखती हूँ, फर्स्ट में चखाती हूँ, खाया नहीं है ना। मकई कैसी हो गई? पापा के लिए रखी है, पापा आएंगे फिर पापा खाएंगे करके, तभी लेट लेट लगाया हमने मकई भी पापा के लिए। पापा आएंगे कुछ तो चखेंगे करके। दो बार के यहाँ पर जो लगाई थी मकई वो खा दी हमने, यहाँ पर लगाई थी वो खा दी, अब वहाँ की बच्ची है तो वहाँ की पापा के लिए रखी है। हमारे पापा भी कुछ ना कुछ तो टेस्ट करेंगे ना, आर्मी वालों के लिए रखना पड़ता है यार, बेचारे करेंगे तो सही, कुछ तो खाएंगे। सो आ गए हैं, कपड़े मैं धुला चुकी हूँ, मम्मी कह रही थी कि मैं डाल के आऊँगी, तो मम्मी जा रही है डालने के लिए छत पे। और ये गावा, इसकी सब्जी बनेगी आज, इसको ले जाओ अंदर हैं। सो गाइस ये देखो गावे की सब्जी बनने वाली आज। सो आज बारिश रुकी है तो फिर आज छत की पूरी साफ सफाई होगी, तो मैं वाइपर लेके जा रही हूँ छत पर वाइपर लगाने के लिए। इतनी बारिश हो रही है कि लोहा घाट तक पूरा बाढ़ आ रखा है, तो रास्ता पिथौरागढ़ आने का सारा रास्ता बंद हो रखा है, लोहा घाट वाला मतलब चंपावत वाला भी और हल्द्वानी वाला भी, क्योंकि हल्द्वानी से भी आ भी जाए तो घाट पूरी बंद हो रही है, लैंडस्लाइड बहुत होती है ना यार पहाड़ों में इसलिए। सो यहाँ मम्मी डाल रही है कपड़े और मैं साफ़ सफाई करती हूँ छत की, पानी पानी हो रखा है बहुत, एज यू कैन सी पानी पानी पूरा छत, तो यहाँ से पूरा साफ़ सफाई होगी, यहाँ से भी पूरी पानी निकलेगा। सो छत तो झाड़ ही दिया है लेकिन बारिश और आने जैसी हो रही है, थोड़े थोड़े छींटे भी पड़ रहे हैं ना मम्मी, कपड़े तो डाले हैं फिर कहीं ऊपर आना पड़ता है दोबारा कपड़े उठाने के लिए, पता नहीं छींटे पड़ रहे हैं मम्मी। हाँ यार उधर से बारिश आ रही है शायद, छींटे पड़े हैं यार, छीक अभी कपड़े डाले और अभी उठाने पड़ेंगे, सब ने डाल रखे हैं, अब सब उठाएंगे क्या, हम भी उठाएंगे ऑब्वियसली, बारिश आ रही है गाइस, अब क्या होगा। उनके धान देखो, ओहो धान देखो, इस साल पूरी फसल बर्बाद कर दी गई बेचारों की। अब बोलो दूर से बोल, उनकी धान बोल रही पूरे बर्बाद कर दिया वो फसल, इस साल तो फसल ही नहीं हुई है सही में यार, बेचारे कितनी मेहनत करते हैं पूरा साल लोग, तभी तो लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं, फिर कहीं लंगूर हैं, कहीं बंदर हैं, कहीं छोड़ है, कहीं सुअर है, कहीं बारिश हो रही है, ऐसी हालत यहाँ कुछ नहीं लगता है तो वही तो वो भी आ रही है, वो सूखे सूखे भाई नीचे से बोल रहे हैं कि बारिश आ रही है यार, बारिश आ रही है, देखते हैं अभी थोड़ी देर हम छत में ही रहते हैं फिर वापस नीचे आगे ऊपर आना पड़ेगा, नहीं तो अंदर स्टोर रूम में भी साफ़ करना है, बहुत टाइम से साफ नहीं किया, मतलब नीचे फ्लोर तो किया है लेकिन चारों ओर साफ़ सफाई नहीं करी है। कपड़े डाल रखे हैं यहाँ पर भी पूरे कपड़े, कल डाले थे धुलाए थे कल। कैसी हुई है मिर्ची गीली, अंदर पानी आया क्या? वो अंदर पानी आया। हाँ यार मिर्ची गीला हो रखा है पूरा, पीछे को नहीं ऊपर को रखो, इस पे रखो, ये खिड़की खुली रह गई मेरे ख्याल से, इसके वजह से पानी आया अंदर, रात में इतनी तेज हवा चली थी, ये बंद भी नहीं हो रहा है, ये पिछले साल की है ना, इस साल की तो सब सड़ गई, पिछले साल की मिर्ची तो इस साल हमारा भी पूरा खेत पूरा बर्बाद ही हो गया लगभग, मानो पूरी मिर्ची सड़ गई है, मैंने दिखाया था ना आपको बाहर वाले टूर पे, इतना ही प्याज रहे हो पिछले साल का, यही सब देखो हमारा अभी, लहसुन हम ज्यादा खाते नहीं है, प्याज बहुत खाते हैं तो प्याज इतना सा बचा है, पिछले साल पापा ने तो ऐसे पापा और आपने मिलके तो तोड़े थे, निकाले थे पहले साल के हैं पापा जी, अच्छा पापा आए नहीं इस साल तो, अरे हाँ इस साल तो नहीं आए, पूरा गीला हो रखा है देखो यार, पूरा पानी आ रखा है,
सो कपड़े उठाने पड़ेंगे. उठाऊं मैं? कोई तो उठा नहीं रहे मम्मी, कोई तो नहीं उठा रहा है. गाइस सबके घरों में कपड़े सूख रहे हैं. हल्की हल्की आ रही है बूंदा बांदी हो रही है, अभी तो ज़्यादा नहीं हो रही है. आई विश कि रुक जाए यार, कपड़े सूख जाए बस दिन तक. और क्या कर सकते हैं, हमारा गार्डन. तो मम्मी और मैं सोच पे पड़ गए हैं कि कपड़े उठाएं या ना उठाएं, क्योंकि चारों ओर देख रहे हैं बारिश आ कहीं से नहीं रही है, खाली उड़ने वाली बारिश आ रही है. ये उड़ उड़ के आ रही है बारिश. क्या करें बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा. कुछ समझ नहीं आ रहा. अभी फिर डालना पड़ेगा. अब तो तेज हो गई, हल्की तेज हो गई, अब उठा ही लेते हैं, चलो भीग जाएंगे. तो गाइस फाइनली हमारा छत दोबारा खाली हो चुका है. फाइनली हमने उठा लिए कपड़े दोबारा से. शोरूम में डालते हैं अब हम कपड़े. सो क्या कर सकते हैं, बारिश आ रही है. आ तो नहीं रही है कहीं से, लेकिन फिर भी आ ही रही है. अब उठा ही लेते हैं, भीगने से अच्छा तो है ना, यहीं सूखेंगे. अब बार बार कौन डालेगा बाहर, अंदर अंदर बाहर. सब अब तार बांधने लग गए अपने यहाँ से वहाँ तक. वो आगे देख रही थी मैं, सब तार बांध रहे हैं अपने घरों में कपड़े सुखाने के लिए. अब छत में तो सुखा नहीं सकते. अभी तक किसी ने नहीं उठाए थे कि थोड़ी थोड़ी आ रही है करके, अब सब ने उठा दिए कपड़े. नीचे भी उधर भी सब उठ गए हैं कपड़े. अभी पता छोटी छोटी बारिश में भी भीग जाते हैं ना अपने कपड़े. थोड़ी देर आए तो ठीक है, लेकिन देर तक आए तो फिर वही होता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है. वैसे बूंद बूंद से कपड़े भी भीगते हैं. हाँ वही तब. तो यहीं पर एंड करता है हमारा ये वाला ब्लॉग. आई होप आपको ब्लॉग छोटा सा पसंद आया होगा, और मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, मज़ेदार से ब्लॉग में. तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर.